पिपराइस थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय मासूम बलराम गुप्ता के अपहरण और हत्या में शामिल चार आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि सोमवार को गिरफ्तार किए गए सभी पांच आरोपितों को पिपराइस पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आपको बता दें, सभी आरोपितों में सिर्फ दो ही शादीशुदा हैं, जबकि अन्य की उम्र 20 साल से कम की है। बुधवार को पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि पिपराइस थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय मासूम के अपहरण और हत्या में शामिल 10,000 के दो इनामिया सहित चार अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन, स्कूटी और स्प्लेंडर प्रो मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की पहचान नितिन चौहान उर्फ मुन्ना पुत्र हीरा लाल चौहान, अजय चौहान पुत्र रामपुर चौहान, अभिषेक चौहान पुत्र राम लवट चौहान और शिवा कुमार पुत्र स्वर्गीय रामदयाल के रूप में हुई है, जिन्हें न्यायालय में के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है। घटना के खुलासे के दौरान एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा, सीओ चौरी चौरा रचना मिश्रा भी मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, अरे ठीक है, भागेंगे कोई नहीं, बैठ जाओ। जैसा कि आप अवगत हैं कि एक बच्चे की जो है अपहरण करके दुखद हत्या जो है कर दी गई थी, इस विषय में 27 तारीख को हम लोगों ने पांच अभियुक्तों को पकड़ के जेल भेजा था। आज जो है उसमें से चार अभियुक्तों को और गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है और घटनाक्रम जो है प्रायः पूरी तरह जो है हम लोग स्पष्ट कर चुके हैं। जिस मोबाइल से थ्रेट दी गई थी वो मोबाइल बरामद है। घटना में दो गाड़ियां प्रयुक्त हुई थी, एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल, जो अभियुक्त गणों से संबंधित हैं। इनका प्रयोग मृतक को जो है अपहृत करने और उसकी डेड बॉडी को नाले में फेंकने में किया गया, तो वो बरामद है। इसी सिलसिले में ये गिरफ्तार अभियुक्तों कारणों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और उनको जेल भेजा जा रहा है। देखिए, इसमें अब तक जो हम लोगों ने छानबीन की है तो हत्या कारित करने में कुल 8 अभियुक्त हैं। उसके अलावा दो अभियुक्त हैं, रिंकू गुप्ता और नितेश पासवान। फर्जी पते से या फर्जी नाम पते से जो है आई कार्ड वो सिम उपलब्ध करवाने में इन दोनों की भूमिका पाई गई। इसमें रिंकू गुप्ता जो है दुकानदार था सिम बेचने वाला, और नितेश पासवान ने अपना फोटो दिया जिस पे जो है किसी अन्य व्यक्ति का नाम पता लिखा हुआ था। देखिए, मोटिस में दयानंद और अजय गुप्ता ये दो व्यक्ति हैं। ये दोनों जो है दुकानदार ही हैं, वहाँ जंगल दूसरा में एक टिक्की और चाट का ठेला लगाता था और एक खिचड़ी की दुकान है। इन दोनों के मन में जो ये विचार आया कि जो उस बच्चे का अपहरण करके उससे वो लिया फिरौती की रकम दिया जाए और जो सभी अभियुक्तों में बांटी जाएगी, ये 50-50 रुपये जो आपस में बांटने की बात थी। लेकिन चूंकि ये सभी के सभी अभियुक्त जो है अभियुक्त के गांव के ही उसके अगल बगल के एरिया के रहने वाले हैं, इसलिए इनको जो प्रत्याशा होगी कि जो निश्चित रूप से जो हम पहचान लिए जाएंगे। इनके पास अपहृत को रखने का कोई ठिकाना भी नहीं था, इसलिए इन्होंने जो उठाने के 21 घंटे के भीतर जो उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जो है पहले इन्होंने फिरौती काल में दोबारा जो हत्या करने के बाद रात में भी इनको जो है वादी को धोखा देते हुए कि जो बच्चा हमारे पास है फ़ोन किया गया। इसमें देखिए, इसमें मुख्य जो है दयानंद नाम का जो अभियुक्त है और एक अजय गुप्ता है, यही इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। और बाकी जो इनके साथी हैं वो 20-21-22 साल के लड़के हैं, जिनके से घटना कारित करने में लालच देकर उनका जो प्रयोग किया गया। हत्या देखिए अजय गुप्ता की दुकान में जो है किया गया, और उसमें जो है ये आया गया कि बच्चा हल्ला गुल्ला ना करे, तो इसके लिए पहले उसको नींद की गोली खिलाई गई, उसने जो है उल्टी कर दी तो बेहोश नहीं हुआ, तो फिर एक जो है इंजेक्शन भी लगाया गया नशे का अजय चौहान नाम के अभियुक्त द्वारा,
कि वो हल्ला न करे। उसके बाद जो है इन चार अभियुक्तों द्वारा जो है चार पाँच अभियुक्तों द्वारा उसके जो है गलत दवा के हत्या कर देंगे अजय गुप्ता की दुकान में। नशे के इंजेक्शन के बारे में जो है छानबीन कर रहे हैं और लेकिन इसमें जो है नशे देने में वो अजय चौहान जो है ये जो है ये आदमी इस नशे के इंजेक्शन देने के बारे में भूमिका जो है पाई जा रही है। नहीं, इनका अभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं ज्ञात हुआ है। इनमें थोड़ी सी ज़्यादा उम्र दयानंद और अजय गुप्ता की है, बाकी सब लड़के जो है 20-21 साल 19-21 साल के हैं और जिनके द्वारा ही घटना दर्ज की गई है।